हेलो दोस्तों दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की सीरीज में आपका स्वागत है। इस वाली वीडियो में हम आपको तीन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का निरपेक्ष लाभ सिद्धांत, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का तुलनात्मक लागत सिद्धांत और तुलनात्मक लागत सिद्धांत की टॉजिंग ने किस तरीके से मौद्रिक व्याख्या की उसके बारे में हम डिटेल करने वाले हैं। तो इस वाली वीडियो में जो कि आपको यूट्यूब पर मिलेगी, उसमें आपको ये वाला जो टॉपिक है ये हम कवर करवाने वाले हैं। और अगर आप एप्लीकेशन के थ्रू ये वीडियो देखते हैं तो आपको तीनों के तीनों टॉपिक मिलेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एप्लीकेशन को एक बार जरूर डाउनलोड कर लें महाविद्या इकोनॉमिक्स स्कूल, ताकि आप पूरे की पूरी वीडियो को एक्सेस कर सकें। इस वीडियो में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धांत की। तो बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का तुलनात्मक लागत सिद्धांत, जिसको कि तुलनात्मक लाभ सिद्धांत भी कहते हैं, इसका जो प्रतिपादन है वो डेविड रिकार्डो ने किया था अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में। और उन्होंने समझाया कि किस तरीके से एक कम कुशल देश भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करके लाभ उठा सकता है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो तुलनात्मक लागत सिद्धांत है वो ये बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ये जरूरी नहीं है कि व्यापार करने वाला देश किसी दूसरी वस्तु के बनाने में श्रेष्ठ हो, जैसा कि एडम स्मिथ ने बताया। बल्कि अगर एक देश कम कुशल भी है लेकिन उसकी तुलनात्मक लागत भिन्न भिन्न है, तभी भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने से फ़ायदा होगा। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ तुलनात्मक लागत क्या मतलब क्या है। यहाँ पे मान लीजिए भारत है, भारत जो है वो बना सकता है श्रम की इकाई से 20x वस्तु या 10y वस्तु। नेपाल जो है मान लीजिए वो बना सकता है 10x वस्तु या 8y वस्तु। तो इसका मतलब है कि भारत की तुलना में जो नेपाल है वो एक्स वस्तु बनाने में भी कम कुशल है और वाई वस्तु बनाने में भी कम कुशल है, लेकिन तुलनात्मक लागत जो है वो भिन्न है। कैसे? देखिए, भारत में वाई वस्तु की जो कॉस्ट है, यानी कि भारत अगर वाई वस्तु बनाता है तो उसे 2x को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और अगर एक्स वस्तु बनाता है तो हाफ वाई का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो ये भारत की लागत है। नेपाल में बात करें तो बच्चों, नेपाल में y इक्वल टू 1.25x आएगा अगर आप x करोगे तो, यानी कि 10 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1.25x ही आएगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे निकालें x की वैल्यू, तो यहाँ पर जो x आएगी वो आएगी 0.8y। ये है 0.5y, लिख देते हैं इसको। तो इससे हमें पता चलता है कि हालांकि भारत जो है वो x वस्तु बनाने में भी और वाई वस्तु दोनों बनाने में ही कुशल है, लेकिन उसके बावजूद भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना फायदेमंद रहेगा, क्योंकि भारत में एक्स वस्तु बनाने की जो कॉस्ट है वो कम आ रही है, जबकि नेपाल में वाई वस्तु बनाने की कॉस्ट जो है वो कम आ रही है। इसका मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने से दोनों ही देशों को फायदा होगा। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि लागतों में तुलनात्मक अंतर तब कहलाएगा जब एक देश दोनों वस्तुओं के उत्पादन में दूसरे देश से ज़्यादा कुशल हो, लेकिन दोनों वस्तुओं के उत्पादन में जो तुलनात्मक लागत है वो भिन्न है। यानी कि एक देश एक वस्तु को सस्ता बना पा रहा है, दूसरा देश दूसरी वस्तु को सस्ता बना पा रहा है तुलनात्मक रूप से। तो ये है बच्चों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का तुलनात्मक लागत सिद्धांत, जिसको कि हम कई बार सापेक्षिक लागत सिद्धांत भी कहते हैं। बच्चों, तो कुछ मान्यताएं हैं, उस मान्यताओं को आप एक बार देख लीजिए अपनी साइड स्क्रीन पे। सबसे पहले हम मान के चल रहे हैं दो देश और दो वस्तुएं हैं, ये हमारी पहली मान्यता है। पूरे विश्लेषण में हम भारत नेपाल को ही दो देश और एक्स वस्तु वाई वस्तु को ही मान के चलेंगे। इसके अलावा उत्पादन का एकमात्र साधन श्रम है और श्रम में वृद्धि करने के ही उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। और ये भी हम मान रहे हैं कि जो उत्पादन की जो लागत है उसको भी श्रम में ही मापा जाता है। जैसे कि मान लीजिए भारत में जो एक यूनिट श्रम से अगर वाई बना सकते हो तो 2x को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, यानी कि हम यहाँ पे श्रम की कार्यकुशलता के रूप में ही इसको माप रहे हैं। इसके अलावा हम ये मान के चल रहे हैं कि श्रम की सभी इकाइयाँ समरूप है, उत्पादन में समान प्रतिफल का नियम लागू हो रहा है, यानी कि श्रम को दुगना करने से उत्पादन भी दुगना हो जाएगा। उत्पादन के जो साधन हैं वो देश के अंदर गतिशील है पर देश से बाहर गतिहीन है, हम ये मान के चल रहे हैं बच्चों। इसके अलावा हम ये भी मान रहे हैं कि व्यापार करने में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने की कोई लागत नहीं आती, यातायात लागत नहीं आती है, किसी भी प्रकार का सरकारी नियंत्रण नहीं है, किसी भी प्रकार का कर नहीं लगता, किसी भी प्रकार का कोई भी मतलब पूर्ण प्रतियोगिता है। इसके अलावा वस्तु बाजार और साधन बाजार दोनों में ही पूर्ण प्रतियोगिता है। तो ये बच्चों हम मान के चल रहे हैं, कुछ हमारी मान्यता हैं। अब हम इस पूरी की पूरी थ्योरी को आपको समझाते हैं। देखिए, यहाँ पर हम ये मान रहे हैं कि भारत में ये तो है जब एक इकाई हो, मान लीजिए भारत में श्रम की दो इकाई हैं, श्रम की दो इकाई, तो
तो भारत एक्स वस्तु बना सकता है और वाई वस्तु भी बना सकता है। मान लीजिए भारत अपनी ज़रूरत की दोनों वस्तु बना रहा है और नेपाल भी अपनी ज़रूरत की दोनों वस्तु बना रही है, इसका मतलब टोटल मिलाकर जो विश्व का उत्पादन है वो 30x और 18y का है। अब दोनों आपस में समझौता कर लें और बोले, भारत बोले कि भाई जो तुझे एक्स चाहिए मुझसे ले ले, नेपाल बोले जो वाई चाहिए आप मुझसे ले लो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत अगर ये जो 20 है, क्योंकि भारत केवल एक्स वस्तु बनाएगा दोनों लोगों से, तो 40x बनेगी लेकिन 0y बनेगी। इसी तरीके से नेपाल जो है वो 0x बनाएगा क्योंकि एक्स तो भारत उसे दे देगा और 16 बनेगी उसकी वाई। तो अल्टीमेटली आप देखोगे तो 40x का फ़ायदा हो गया लेकिन साथ ही साथ आपको 16y भी मिलेगी, मतलब 40x आपको मिलेंगी 16y मिलेंगी, यानी कि एक्स का जो फ़ायदा हुआ है वो 10 यूनिट का हुआ है ओवरऑल, लेकिन वाई का जो नुकसान हुआ है वो 2 यूनिट का भी हुआ है। व्यापार से लाभ की बात करें तो बच्चों भारत पहले 20 बना रहा था, अब 40 बना रहा है, यानी कि 20 का फ़ायदा हो गया। 10 पहले बना रहा था वाई, अब नहीं बना रहा है, यानी कि 10 का नुकसान हो गया भारत को, यानी कि 10y का नुकसान हुआ है लेकिन 20y का फ़ायदा हुआ है। नेपाल की बात करें तो नेपाल में 10x का फ़ायदा हुआ है, 10x का नुकसान हुआ है, जबकि 8y का फ़ायदा हुआ है। तो इस तरीके से ओवरऑल 10x का नुकसान है और 10x का फ़ायदा और 2y का नुकसान है। अगर हम इसको जोड़ें, मैं अगर भारत के टर्म में बताऊं, भारत के टर्म में तो भारत की दृष्टि से 10x और 2y का फ़ायदा हुआ है। अब y की जो वैल्यू है भारत में वो है हमारी 2x के बराबर। हम इस x के टर्म में ले आते हैं, यानी कि हम इसको ये लिख देते हैं कि 2x प्लस माइनस 2x। तो x के टर्म में आप देखोगे बच्चों तो इस स्थिति में अगर आप x के टर्म में देख रहे हो भारत में तो आपको भी अभी भी 6x का फ़ायदा दिखेगा। ऐसे ही हम y के टर्म में भी भारत का फ़ायदा पालता कर सकते हैं, लेकिन हमें मेनली बताना है कि नुकसान और फ़ायदे में नुकसान कम हुआ है, फ़ायदा ज़्यादा हुआ है, इसलिए ओवरऑल भारत को 6x का फ़ायदा होगा। नेपाल की भी बात कर लेते हैं बच्चों, तो नेपाल 10x है प्लस माइनस 2y। अब यहाँ पे जो y है नेपाल में वो 1.25x के बराबर है, यानी कि यहाँ पे भी 7.5x का फ़ायदा हुआ है नेपाल को। अब आपस में ये व्यापार में करेंगे तो व्यापार में आपस के लाभ को बांट लेंगे। अब कितना किसको फ़ायदा होगा ये तो व्यापार की शर्तों पर निर्भर करता है और व्यापार की शर्तों के अलावा प्रस्ताव वक्र पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर मैं डायग्राम के थ्रू बताऊँ बच्चों, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक्स वस्तु, ऊपर लिख लेते हैं वाई वस्तु। यहां पर देखिए ये वाला जो है, ये वाला ये भारत का है, यानी कि भारत में एक वाई वस्तु जो है, भारत में एक वाई वस्तु जो है वो 2x के बराबर है। यानी कि भारत व्यापार तभी करेगा जब उसको एक वाई वस्तु प्राप्त करने के लिए 2x से कम देना पड़े तभी व्यापार करेगा, और नेपाल तब व्यापार करेगा जब उसको एक वाई वस्तु के बदले में 1.25x वस्तु प्राप्त हो जाए। तो डेफिनेटली दोनों के बीच व्यापार करना संभव है क्योंकि ट्रेड ऑफ आसान है। तो ये जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये नेपाल का है, इसको बोलते हैं बच्चों प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये जो है ना, ये वाली लाइन, ये उत्पादन संभावना वक्र है, संभावना वक्र है, ये भी उत्पादन संभावना वक्र है। और ये सीधी इसलिए है क्योंकि हम ये मान कर चल रहे हैं समान अवसर लागत, समान अवसर लागत, इसलिए समान अवसर लागत की वजह से ये बिल्कुल सीधी रेखा में। और ये जो बीच का डिफरेंस है, ये वाला डिफरेंस है, ये कहलाएगा बच्चों व्यापार से लाभ। इसका मतलब ये जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये पूरा का पूरा व्यापार से लाभ है, यानी कि दो देश व्यापार करेंगे तो व्यापार से लाभ होगा, या और कम कुशल वाले देश को भी व्यापार से फायदा होगा, लाभ होगा। क्योंकि ये जो पूरा का पूरा विचार है, ये एक तरीके से रेवोल्यूशनरी विचार कहा जा सकता है इस तरीके से। अब अगर हम बात करें बच्चों लागतों में निरपेक्ष अंतर की, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था जो हमने रिकार्डो वाली बनाई थी, तो निरपेक्ष अंतर में भी व्यापार से लाभ होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर तुलनात्मक अंतर है, जैसा कि हमने यहां पे बताया है, तो भी व्यापार से लाभ होगा।
लेकिन अगर समान अंतर है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ नहीं होगा। तो हम एक काम करते हैं, पहले समान लागत की स्थिति में व्यापार से लाभ क्यों नहीं होगा एक बार वो समझ लेते हैं, उसके बाद हम इस पूरे के पूरे टॉपिक की जो आलोचना है रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत की वो भी आपसे डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों लागतों में समान अंतर की वजह से क्यों व्यापार से लाभ नहीं होता वो भी हम एक बार समझ लेते हैं। देखिए मान लीजिए भारत है, भारत में बनाई जा सकती है 20x या 10y, नेपाल में बनाई जा सकती है 10x या 5y। तो लागत अंतर देखिए कि भारत में 1x जो है, 1x वो है पड़ेगी 0.5y के, और नेपाल में भी 1x जो है वो 0.5y के है, यानी कि दोनों में y वस्तु को बनाने की जो लागत, x वस्तु को बनाने की लागत जो है वो समान आ रही है। इसी तरीके से y वस्तु की बात करें तो y आएगा यहाँ पे 2x के बराबर, और यहाँ पे भी y आएगा 2x के बराबर। यानी कि लागतों में समान अंतर तब कहलाएगा जब एक देश दोनों वस्तुओं के उत्पादन में दूसरे देश से कुशल है, एक देश भारत जो है वो दोनों वस्तुओं में कुशल है, लेकिन उनकी जो लागत अंतर है वो भी समान है। यानी कि अगर हम ये मान लें कि भारत जो है वो एक्स वस्तु में विशिष्टीकरण करेगा, नेपाल जो है वो वाई वस्तु में विशिष्टीकरण करेगा, या उल्टा कर लें, तभी भी व्यापार करने से कोई लाभ नहीं होगा। देखिए किस तरीके से लाभ नहीं होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से पहले दोनों इतना उत्पादन कर रहे थे, ठीक है जी, ये हमारा उत्पादन है, क्योंकि विशिष्टीकरण किया गया और हम ये मान लें कि भारत जो है वो केवल एक्स वस्तु बना रहा है जबकि नेपाल जो है वो केवल वाई वस्तु बना रहा है, डबल कर दिया ना, क्योंकि दो श्रम है, पहले वो एक्स और वाई दोनों बना रहे थे, अब केवल वाई बना रहा है। तो टोटल जो उत्पादन है वो देखिए 40 और 10 का है, यानी कि 10 का तो फायदा हुआ है और 5 का नुकसान हुआ है। भारत की बात करें तो भारत में 20 का एक्स का फायदा हुआ है, 10 का नुकसान हुआ है, नेपाल में 20 में से 5 गए 10 बचे, तो इसका 10 का नुकसान हुआ है लेकिन साथ ही साथ 5 का फायदा भी हुआ है। तो इस तरीके से ओवरऑल आप देखोगे तो 10 का फायदा 10 का और 5 का नुकसान है। लेकिन अगर हम टर्मोलॉजी में बात करें तो ओवरऑल जो लाभ है वो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, यानी कि भारत के नज़रिए से भी देखें या नेपाल के नज़रिए से देखें, y जो है वो 2x के बराबर है, लाभ जो हुआ है वो माइनस में। तो इस केस में जो व्यापार से लाभ आएगा वो शून्य आएगा, यानी कि इस स्थिति में, ये स्थिति का नाम क्या है, लागतों में समान अंतर, लागतों में समान अंतर। तो बच्चों ये बताया जा रहा है कि जब लागतों में समान अंतर है, यानी कि दोनों ही सेम कॉस्ट पे वस्तु बना पा रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने से कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि जब हम इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर पे खींचेंगे तो क्योंकि भारत में भी एक वाई जो है वो 2x के बराबर है और नेपाल में भी एक वाई जो है वो 2x के बराबर है, तो किसी भी तरीके का ट्रेड नहीं होगा, क्योंकि एक एक्स के बदले कॉस्ट 2y आ रही है दोनों देशों में, तो व्यापार करेंगे कैसे, अपने देश में बना लेंगे, इससे अच्छा ये है, ठीक है ना। तो ये इसकी वजह ये है बच्चों। तो आप सिंपल समझ लीजिए कि लागतों में निरपेक्ष अंतर की स्थिति में व्यापार करने से फायदा होगा, लागतों में तुलनात्मक अंतर की स्थिति में व्यापार करने से फायदा होगा, लेकिन अगर लागतों में समान अंतर है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से कोई फायदा नहीं होगा। इसका मतलब कंक्लूजन ये है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो आधार है, जो बेस है क्लासिकल इकोनॉमिक्स के नजरिए में, वो है लागतों में पाए जाने वाला अंतर। तो बच्चों इस सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं लागतों के तुलनात्मक अंतर की, वो मैं आपको बता देता हूं। इस सिद्धांत में सबसे पहले दो देश और दो वस्तुओं की मान्यता को लेकर चला गया, जो कि गलत मान्यता है, क्योंकि वास्तविक जीवन में देखोगे आप तो देश दो से ज़्यादा हैं, वस्तुएं भी दो से ज़्यादा हैं। उत्पादन के जो अन्य साधन हैं, भूमि है, पूंजी है, उद्यमी है, इन सब की अवहेलना की गई है और केवल श्रम को ही उत्पादन का साधन माना गया, ये भी एक गलत मान्यता है। इसके अलावा इसमें ये माना गया है कि श्रम की सभी इकाइयाँ समरूप है, लेकिन आप वास्तविक जीवन में देखोगे तो श्रम की इकाइयों को दुगना करने से उत्पादन दुगना हो जाए, ये कोई कंडीशन जरूरी नहीं है, सभी श्रम की सभी इकाइयाँ दुगनी नहीं होती है। इसके अलावा बच्चों पैमाने का समान प्रतिफल की मान्यता को ये लेकर सिद्धांत चलता है, जबकि वास्तविक जीवन में देखोगे तो पैमाने का समान प्रतिफल के साथ साथ पैमाने का बढ़ता प्रतिफल भी लागू होता है, जहाँ पर साधनों को दुगना करने से उत्पादन दुगने से ज़्यादा बढ़ जाता है, और पैमाने का घटता प्रतिफल भी लागू होता है जहाँ पर उस साधनों को दुगना करने से उत्पादन दुगने से कम बढ़ता है।
इसके अलावा बच्चों साधनों की जो गतिशीलता इन्होंने मानी है कि देश के अंदर तो पूर्ण गतिशील है और विदेशों में पूर्ण गतिहीन है, ये भी गलत है, क्योंकि साधन देश के अंदर भी गतिहीन होते हैं और देश से बाहर भी गतिशील होते हैं। जैसे मैं साउथ के किसी भारत में साउथ साउथ इंडिया में मैं जॉब नहीं कर सकता, काम नहीं कर सकता, इसलिए नहीं कि मुझे वो पसंद नहीं है, इसलिए क्योंकि लैंग्वेज बैरियर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से पूर्ण प्रतियोगिता की गलत मान्यता को लेकर यह सिद्धांत चलता है लागत, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता वास्तविक जीवन में तो होती ही नहीं है। यातायात लागतों की उपेक्षा करता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो लागतों से तो मुफ्त हो नहीं सकता, क्योंकि एक देश जब दूसरे देश से व्यापार करेगा तो कोई ना कोई वस्तु को खरीदने और बेचने की कॉस्ट होगी, लाने ले जाने की कॉस्ट होगी, उसको भी इस सिद्धांत में शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा बच्चों पूर्ण विशिष्टीकरण करना हर देश के लिए असंभव है, क्योंकि हर देश थोड़ी थोड़ी वस्तुएँ तो अपने लिए बनाता ही है। इस तरीके से बच्चों में सिद्धांत की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक मील का पत्थर है, और इस सिद्धांत का डेवलप कर करके बहुत सारे और सिद्धांत बने जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। बच्चों तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने हमारी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आप ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, ताकि आपको हमारे सारे के सारे कोर्सेज जो हैं वो आपको सिस्टमेटिकल ऑर्डर में मिल सकें। वहाँ पर आपको PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज, तमाम तरीके की चीज़ें मिलेंगी। बच्चों इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।